बता दें सतीश पुनिया आज बाड़मेर जालौर दौरे पर रहने वाले हैं। सर्किट हाउस में कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे तो प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित भी करेंगे सतीश पुनिया। ये बड़ी खबर, गुढ़ा मालानी में जाट समाज भवन का उद्घाटन भी किया जाना है। 12 बजे जालौर के डाबली चौंचवा पहुंचेंगे सतीश पुनिया और यहां पर कई खास कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। हरियाणा के प्रदेश भाजपा प्रभारी हैं सतीश पुनिया, ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। आज बाड़मेर जालौर दौरे पर सतीश पुनिया रहने वाले हैं, जहां पर कई कार्यक्रम उनके प्रस्तावित है। 12 बजे जालौर के डाबली चौचवा सतीश पुनिया पहुंचेंगे, ये बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। सतीश पुनिया का आज बाड़मेर जालौर दौरा रहने वाला है और गुढ़ा मालानी में जाट समाज भवन का उद्घाटन करेंगे। और करेंगे अगली खबर का। राजधानी जयपुर में कांग्रेस अनुशासन समिति की बैठक हुई और जिसके बाद अनुशासन समिति के अध्यक्ष उदयलाल आंजना ने कहा कि समिति के सामने कुल 22 शिकायत मिली हैं और ज्यादातर शिकायतें विधानसभा और लोकसभा चुनाव में भीतरघात से जुड़ी बताई जा रही हैं। सभी शिकायतों पर समिति ने गंभीरता से मंथन किया और गहराई से सभी सबूतों को देखा गया है और शिकायतों के आधार पर अनुशंसा रिपोर्ट तैयार की गई है, जिसे पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा को भेजा गया, जिस पर वो एक्शन लेंगे। प्राप्त हुई है जिनपे जो विधानसभा के चुनाव की ज्यादा है उसमें उनपे ज्यादा चर्चा, नहीं श्रेणी तो अलग अलग वो बाद में तय की जाएगी, वो तो सबकी शिकायतें उन पर विचार किया है। ऐसे उस हिसाब से कुछ नहीं है कि भाई ये गंभीर ही है ये दूसरी है। किन किन क्षेत्रों से आई हैं? पूरे राजस्थान से आई है। राजस्थान में कौन कौन से विधानसभा लोग? नहीं, वो नाम जब सूची तो वो याद नहीं रही, 22 का नाम तो एक साथ याद नहीं हो पा रहा है, लेकिन 22 वो कोई पता नहीं, जरूर नहीं, वो तो हमारा गोपनीय मामला है। जब कार्रवाई हो के अध्यक्ष जी के पास रिपोर्ट चली जाएगी उस समय बता देंगे। किस तरह की शिकायत? अभी फाइनल बैठक हो गई या अभी और बैठक? क्या उनके ऊपर कोई कार्रवाई जैसी चीजें आप लोगों को मेंशन की है? वो तो हमारी कमेटी जो टिप्पणी करके भेजेगी उसके बाद निर्णय क्या करना अध्यक्ष जी को, वो अध्यक्ष जी बता पाएंगे, लेकिन हमने तो उन पर विचार किया है कि ये किस श्रेणी में आती है, वैसी छोटी मोटी श्रेणी बना करके उनको भेज दी। लब्बू लुबाब क्या है शिकायतों में? किस तरह की शिकायतें थी? क्या उनमें कोई एविडेंसेस थे? या चुनाव में जिस प्रकार की शिकायतें होती है कि मेरे साथ खिलाफ मत काम किया, मेरे को हराने का प्रयास किया, मेरे साथ ये किया वो किया, साथ में नहीं आए, मीटिंग में नहीं आए, इस प्रकार की शिकायतें हैं। जो भी शिकायत आई है विधानसभा चुनाव की और सांसद चुनाव दोनों की शिकायतें आई है और उसपे जिसे कुछ लोगों ने प्रूफ भी भेजा है कि किस तरह से पार्टी के विरोध में जिन्होंने काम किया है उनके खिलाफ हमने जो भी कमेटी ने बैठ करके निर्णय लेकर के हम अनुशंसा करके और अध्यक्ष महोदय को उसको भेज रहे हैं और उस पर हमने निर्णय ऐसा आपस में डिस्कस कर लिया और जहां से पता हमें लग ही जाता है सब आदमी को कि कौन पार्टी के खिलाफ इस तरीके का कार्य कर रहा है, तो वो हमने पूरी तैयारी करके और अध्यक्ष जी को अभिशंसा।